हेलो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा है भाई? पार्शियल फ्रैक्शन, राइट? बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन वैसे पढ़ने में तो लोगों को लगता है कि पार्शियल फ्रैक्शन ये तो कुछ हार्ड टॉपिक है। नेम ही ऐसा है ना, कुछ पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन कितना भारी कम वर्ड है, राइट? भाई इतना है नहीं यार, ठीक? ओके, तो पार्शियल फ्रैक्शन, अब टेंथ में हम पढ़े थे, टेंथ में आप लोग रेशनल फंक्शन पढ़े थे, याद है आपको? रेशनल, समझो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन, ऐसे टर्म आप पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ या ना? हाँ पढ़े थे। तो ये जो है रेशनल फंक्शन, भाई रेशनल फंक्शन है उसी का दूसरा नेम है ये पार्शियल फ्रैक्शन। बट ये रेशनल फंक्शन के साथ हमें इंटीग्रेशन को अटैच करना है, राइट? ये पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है ना, वो क्या है? रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन। क्या है भाई? रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन। सिंपल मीनिंग यही है यार कि रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे? तो इसको एक नया नाम दे दिया, पार्शियल फ्रैक्शन, राइट? तो बच्चों, ऐसे कोई भी टर्म है आपके पास जो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में होता है रेशनल फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करने का जो मेथड है इसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो बेटा, ये पार्शियल फ्रैक्शन हम करेंगे कैसे? तो बेटा, कोई भी रेशनल फंक्शन हमारे आपके पास है उसको दो पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आप दो पार्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड नहीं होने वाला, क्लियर? तो कोई भी रेशनल फंक्शन है, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कि भाई x प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, राइट? तो बेटा हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, ऐसा लिख सकते हैं कि फोर अपॉन एक्स माइनस टू प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन। अगर आप करना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हो। तो दो पार्ट में, ऐसे पार्ट में, ऐसे इजी पार्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया जिससे आप इजीली इसको इंटीग्रेशन कर सकते हो। और ये जो मेथड है ना, इसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। बच्चों ने रेशनल फंक्शन का डिस्कशन कर लिया, एग्री? अब बच्चों, रेशनल फंक्शन की टाइप्स कितने होते हैं मालूम है आपको? रेशनल फंक्शन के टू टाइप्स होते हैं। कौन से भाई? तो एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन एंड इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन स्टार्ट होगा, है ना? यहाँ पे कन्फ्यूजन स्टार्ट होने वाला है, होगा ना कि नहीं होगा? होगा, 100% होगा कि भाई यहाँ पे रेशनल फंक्शन तक तो ठीक था, ये दो पार्ट आ गए, प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या है एंड इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या है। बच्चों एक बात माइंड में क्लियर कर लो कि भाई रेशनल फंक्शन की बात आएगी तो एक बात तो श्योर है कि भाई पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप का फंक्शन होगा, होगा, होगा और होगा, है कि नहीं? कोई भी रेशनल फंक्शन की बात आएगी तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स होने वाला है। अब बेटा मुझे पता कैसे रहेगा कि ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन नहीं है, राइट? तो सिंपल है, आपको क्या करना है यहाँ पे, ये न्यूमरेटर है हमारा, ये हमारा डिनोमिनेटर, वी नो वेरी वेल ना, राइट? तो बेटा पी एक्स मीन्स न्यूमरेटर में जो टर्म होती है ना, उसकी आपको पावर देखनी है, मैक्सिमम पावर। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि भाई 7 - 2x लिखा हुआ है, तो x की जो पावर कितनी है? 1, है ना? अब सेम थिंग डिनोमिनेटर में आ जाओ, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। एक बात और भी है यार, समझ कि ये जो टर्म है ना उसका फैक्टर निकलना चाहिए, अगर फैक्टर नहीं निकलता है तो वो बात चेंज हो जाएगी, वो इंटीग्रेशन डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, जब हम पार्शियल फ्रैक्शन की जब बात करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन का जो ये पार्ट है इसके लिए फैक्टर आने चाहिए। ओके, नाउ तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो पी एक्स की जो पावर है वो क्यू एक्स की जो पावर है उससे क्या है, कम है कि ज़्यादा है? तो डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन क्या होने वाला है? डिग्री ऑफ क्यू एक्स, मीन्स न्यूमरेटर में जो एक्स वाली टर्म है वो छोटी होनी चाहिए और ये जो टर्म है वो बड़ी होनी चाहिए। इतना याद रख लो, इनफ है यार। तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर रेशनल फंक्शन, आ गया, समझ में आ रहा है? यहाँ पे सोचो, सेम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, एक्स की पावर कितनी है भाई? 2 है, एक्स क्यूब कितनी है? 3। तो समझ लो यहाँ पे 2 छोटा है, 3 बड़ा है, तो ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया। अच्छा, इसके फैक्टर निकल रहे हैं? हाँ निकल रहे हैं। देखो एक्स क्यूब माइनस वन का फैक्टर निकलता है भाई, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ जाएगा, इज दैट क्लियर? तो ये भी आ जाएगा, तो ये आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। अब दूसरी बात करेंगे बच्चों, इम प्रॉपर रेशनल फंक्शन।
बहुत समझने वाली बात है कि इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन में सबसे बड़ा लॉ फोल्ड क्या होता है मालूम है आपको? तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन में जो आप पी एक्स अपॉन क्यू एक्स है आप लिखते हो ना, ये जो इसको डिवाइड करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ता है तभी आप इसको फैक्टराइज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। मीन्स इसको आप ऐसे लिखना पड़ेगा आर एक्स इक्वल टू प्लस पी वन एक्स अपॉन क्यू एक्स। ऐसे दो पार्ट में अगर कन्वर्ट कर पाते हो तभी आपका इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके ओके। अब आइडेंटिटी क्या है यार, आइडेंटिटी बताओ हमें, आइडेंटिटी क्या है? तो सिंपल, यहां पे आप देख सकते हो बेटा एक्स क्यू प्लस टू लिखा हुआ है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन लिखा हुआ है। भाई पावर जो है एक्स की पावर ज्यादा किसकी है, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की? तो आपके माइंड में आ जाएगा कि भाई न्यूमरेटर की पावर बड़ी है, दैट्स इनफ। अगर पी एक्स की पावर डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ की एक्स हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं भाई? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो ये हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ये हमारा इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अगर ये आपको आ गया तो आपके लिए इंटीग्रेशन बहुत इजी होने वाला है, समझ लो। अगर ये आ गया तो इंटीग्रेशन बहुत इजी होने वाला है।